रही रुकमणी। इधर एक सुदेव नाम के ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मण के सामने जब रुकमणी रोई तो ब्राह्मण बोले का बात है लाड़ो, काहे को रोए रही? बोले मैं एक चिट्ठी लिख रही हूँ, आप उस चिट्ठी को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। बोले मैं बहुत बूढ़ा हूँ, नहीं पहुंच पाऊंगा, कुछ भी करो महाराज, चिट्ठी पहुंचाओ। तो लिखी चिट्ठी, ब्राह्मण जब चिट्ठी को लेके चले, चला नहीं जा रहा, थक गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान ने पार्षदों के द्वारा उठवा लिया, द्वारिका में पहुंचे, चिट्ठी भगवान के चरणों में डाली है। भगवान बोले ऐसे तो मेरे दादा नहीं जाने देंगे, आप कोई बहाना बनाओ। तो खांसना शुरू किया है, बलदाऊ बोले जाओ कन्हैया छोड़ के आओ इन्हें। तो कृष्ण रथ पे बिठा लेते हैं ब्राह्मण देवता को और जब छोड़ने के लिए चले, जब तक द्वारिका में रथ रहा तब तक तो धीरे धीरे, और जो द्वारिका से बाहर रथ निकलो महाराज पहुंचे वहां। तो जाएंगे महाराज, ये 501 रुपए उमेश भैया डेढ़ पसरी से जो भागवत में दान दे रहे हैं, 2501 रुपए।